नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सरगम पंत। हमेशा की तरह फेसबुक लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान। हमेशा की तरह हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट रीमा जी हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही में सुषमा है। सुषमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो रेगिस्तान में महासंग्राम की शुरुआत तो हो चुकी है और आज मैदान पर उतरने वाली है विराट की सेना और साथ ही में होंगे डेविड वार्नर के शेर। तो आप पहले कल के मैच की बात कर लेते हैं मुझे लग रहा है, फिर आज के मैच पर आते हैं, क्योंकि आज का मैच तो वाकई में एक रोमांचक मैच होने वाला है। सब चाहते हैं कि हो, लेकिन कल का मैच इतना थ्रिल, यानी आप देखिए दूसरा ही मैच और सुपर ओवर, इसीलिए इसको बोलते हैं इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग। यहाँ कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले कहा था न्यूट्रल वेन्यू है, यहाँ पे आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बदलती हुई दिखेंगी, और वही हुआ। क्योंकि आईपीएल देखिए, किंग्स इलेवन का पलड़ा थोड़ा भारी था, लेकिन दिल्ली कैपिटल ने वापसी की और थोड़ी बहुत उसमें मदद की किंग्स इलेवन के डिसीजंस ने, जो कि जिसकी हमने कल भी बात की थी। अगर आप पावर प्ले तक पहुंचे, पहले तो आप 3 गेंदों पे 1 रन नहीं बना पाए। देखिए शॉर्ट रन की काफी बात हुई है, शॉर्ट रन की बात हो रही है लगातार जी, क्योंकि वो बड़ा ही वहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको लग रहा था किंग्स इलेवन पंजाब का वो जीता हुआ मैच था। बिल्कुल जीता हुआ था, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर मैं नहीं बोलूंगी। देखिए ह्यूमन एरर है, हो सकता है, कई बार प्लेयर से भी कैच छूटती है, इसी तरह एम्पायर भी एक इंसान है, गलती हो जाती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना होगा कि किस तरह से आईपीएल के रूल बनते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप ये रूल लेके आ सकते हैं कि थर्ड एम्पायर इंटरफेयर करे, या फिर आप एम्पायर से वहीं से डायरेक्ट कॉल करते हैं कि ये शॉर्ट रन नहीं था, जैसे कि नो बॉल का आया है रूल, बाउंड्री चेक का रूल आया, तो ये भी आ सकता है। लेकिन डिसाइड तो तब कर सकते थे जब 3 बॉलों पे 1 रन चाहिए था। जी, मयंक अग्रवाल क्रीज पे थे, 2 लास्ट में फुल टॉस हुई, 5 विकेट बाकी थे। हाँ। तो बड़े सारे ऐसे पॉइंटर्स हैं जब वो जीत सकते थे, और उसके बाद सुपर ओवर को आपको मौका मिला वापस, उसमें आपने अपना सबसे कामयाब बैट्समैन उस दिन का मयंक अग्रवाल। मैं पूछने ही वाली थी ये वाला कि मयंक अग्रवाल को ना भेजना, क्योंकि यहाँ पे भी लगातार लोग मुझसे यही बोल रहे थे कि ये गलत नहीं हुआ कि मयंक अग्रवाल को क्यों नहीं भेजा। देखिए उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम क्रीज में व्यतीत किया था, इसका मतलब वो पिच को पहचान चुके थे। 89 रन बनाए थे, 6 बॉलर खेल सकते थे, आपने उनको डगआउट में रखा। मैक्सवेल जो कि सबसे डेंजरस बैट्समैन है T20 के, उनको आपने पीछे रखा। केएल राहुल जो मैच में चले नहीं थे वो आए, वो आ सकते थे नंबर 3 पे। गलतियां हुई कहीं ना कहीं, बिल्कुल हुई है, और उसका पूरा फायदा मिला दिल्ली कैपिटल्स को। जी बिल्कुल, यहाँ पे सुषमा से भी पूछते हैं। अच्छा सुषमा, तो कल किंग्स इलेवन पंजाब को सपोर्ट कर रही थी और बहुत दुख था, मैंने देखा था कल के शो में। यानी आप सभी को मैं बता दूं 7 बजे आईपीएल स्पेशल देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे ये क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही में विश बहुत ही यहाँ पे ग्रैंडियोस स्टूडियो है हमारा TV9 भारतवर्ष का। तो सुषमा आप बताएं, आप बहुत ही निराश लग रहे थे, क्योंकि किंग्स इलेवन पंजाब मैंने कल पूरा देखा मैच, तो बीच में ऐसा लग रहा था कि उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरीके से वहां पर मैं देखती हूँ मार्कस स्टोनिस ने खेला, यहाँ पे मयंक अग्रवाल ने खेला, आपको कैसा लगा, कहीं क्या गलतियां आपको नजर आई किंग्स इलेवन? मैं ये कहूँगी गलती नहीं, बट मैच एक्साइटिंग था, बहुत अच्छा मैच हुआ, बट कहीं ना कहीं आप देखिए मार्कस स्टोनिस की जो बॉलिंग थी, एक 6 ओवर में 13 रन जब चाहिए और 1 सिक्स और 1 बाउंड्री खाने के बाद आप नेक्स्ट दोनों फुल टॉसेस में आपको विकेट्स मिल रहे थे, दैट मींस कहीं ना कहीं वो उन्हीं का दिन था और लक पूरा उनके साथ में था। जैसा उन्होंने पोस्ट इनिंग इंटरव्यू में कहा भी कि ये आपको भी पता है कि क्रिकेट में कितना किस्मत का कितना खेल रहता है, तो कल कहीं ना कहीं देखा कि स्टोनिस का दिन था, चाहे वो बल्ले से बोलो चाहे फिर वो लास्ट में गेंदबाजी से बोलो। एब्सोल्युटली, तो डेफिनेटली क्रेडिट जाता है दिल्ली को, वो जीते हैं, 2 पॉइंट्स उनके पास ओपनिंग स्लॉट में ही, पॉइंट उनके टेबल में पॉइंट्स उनके पास है। तो अभी देखना होगा कि नेक्स्ट अभी आने वाले टाइम में दिल्ली कैसा करती है। मार्कस स्टोनिस की बात हो रही है तो मुझे लग रहा है आज जब आरसीबी मैदान पे उतरने वाली है तो विराट कोहली उन्हें मिस नहीं करने वाले हैं। ये उनको बिल्कुल आरसीबी में राहु भारी है, शनि भारी है, मुझे समझ नहीं आता। स्टोनिस को छोड़ा, स्टोनिस ने यहाँ दिल्ली कैपिटल्स को मैच जिताया, मतलब उन्हें लग रहा होगा कि ये हमारा ही खिलाड़ी था। अब मेरे को ये डिसीजन एक्चुअली समझ में नहीं आया, कई ऐसे ऑक्शन में हेरफेर हुए हैं जिनका खामियाजा पुरानी फ्रेंचाइजेस भुगतेंगी, लेकिन यहाँ पे आरसीबी के पास और अच्छे खिलाड़ी हैं जो उन्होंने ऑक्शन में लिए थे। एरन फिंच आया है, मैच विनर है अपने आप में, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, वो अच्छा खिलाड़ी है स्पिन गेंदबाजी का भी और फास्ट पेस। आपको लगता है कहीं ना कहीं जब से क्रिस गेल गए थे तो पूरा जो टीम का बाहर था वो एबी डिविलियर्स और विराट कोहली पे था, तो अब वो जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनका बाय था एरन फिंच और क्रिस मॉरिस तो 10 करोड़ में खरीदे। देखिए वो ऐसे ऑलराउंडर है जो आपको डेथ में बॉलिंग देते हैं और
जिसमें फिनिशर की हम बात कर रहे थे, हार्ड हिटर हैं, तो आपको नीचे मिडिल ऑर्डर में एक स्ट्रॉन्ग बैट्समैन चाहिए था, तो वो जगह वो फिल करते हैं। तो एरन फिंच टॉप में, मिडिल ऑर्डर में मॉरिस, तो ये बैटिंग यूनिट थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पहले भी स्ट्रॉन्ग थी, अभी और ज़्यादा मैं इसको स्ट्रॉन्ग कहूँगी। अच्छा, आप, मैं ये पूछती हूँ कि आज दो टीमें जो मैदान पे उतरने वाली हैं, आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है, ये पूछ लेते हैं। कल तो आपका दिल दिल्ली के लिए धड़क रहा था, उनका पंजाब के लिए धड़क रहा था, तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी दिल धड़कता होगा कि जिला के मेरी ड्रेस में सिर्फ आरसीबी का लोगो नहीं है, अगर लोगो होता तो मैं खेलने भी उतर सकती थी, मैं तो आज कपड़े भी आरसीबी के। दिल विराट कोहली के लिए आया, मेरे को वो टीम पसंद है, 12 साल हो गए आईपीएल में लेकिन वो जीत नहीं पाई, ये 13वां एडिशन है। मैं चाहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ कि ये टीम पहले टॉप 4 में पहुंचे, प्लेऑफ में, वहां से अगर अच्छा खेलती है तो अपनी जगह बनाए, क्योंकि इसमें बड़े नाम हैं। अगर आप इनके प्लेइंग 11 या स्क्वाड भी देखेंगे, मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होगी ना, उसमें एक आधे को छोड़ के सारे ही इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो अपनी अपनी कंट्री से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिवम दुबे इंटरनेशनल तब नहीं खेलते लेकिन अब इंडिया प्लेयर है, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, युजवेंद्र चहल ले लीजिए आप, एबीटी ले लीजिए आप, विराट कोहली ले लीजिए आप, एरन फिंच, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो नहीं खेला। तो यहाँ पे पूछते हैं कि इनका दिल भी आज आरसीबी के लिए धड़क रहा है कि नहीं, आज तो डेविड वार्नर जो है वो कमाल करने वाले हैं। प्लेयर्स से भरी हुई टीम है आपके पास, सारे इंटरनेशनल्स जैसे उन्होंने अभी बताया। जिस तरीके से विराट ने उनको इंडिया टीम में खेलते हुए यूज किया है, जिस तरीके से उनको बैक करते आए, आई एम श्योर जिस तरीके की अभी शुरू में कंडीशंस है, विकेट पे ग्रास है, तो डेफिनेटली आरसीबी का जो फास्ट बॉलिंग स्क्वाड है उनको बहुत हेल्प करने वाला है। और आप देखो, अगर ये मैचेस चिन्नास्वामी में नहीं हो रहे हैं जी, तो ग्राउंड छोटा नहीं है, अभी ग्राउंड आपके पास बड़ा है, जो स्पिनर्स को भी अगर मिस हिट भी सिक्स के लिए जाती है चिन्नास्वामी में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो बाउंड्री पे कैचेस, और अगर आप कैलकुलेशंस करो पिछले दोनों मैचेस में, तो 4-5 अच्छे बैट्समैन बाउंड्री लाइन पे ही कैच आउट हुए हैं, सो कहीं ना कहीं वो एक्साइटिंग रहेगा आने वाले टाइम में, जब स्पिनर्स मेरा दिल भी वही है, कोशिश तो हम यही करेंगे, वैसे प्रेम भी यही करेंगे, दुआ भी यही करेंगे, सॉरी कि आरसीबी जीत जाए, और लेकिन हम चाहते हैं कि डेविड वार्नर की जो टीम है उनके जो धुरंधर उनका प्रदर्शन भी अच्छा हो मैदान पे। बहरहाल, ये आखिरी सवाल ले लेते हैं, आपसे बात हो रही थी यहाँ पर कि सबसे जितने से भी मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हैदराबाद की अगर हम बात करें तो बहुत संतुलित टीम नज़र आ रही है, ऑब्वियसली कंपैरेटिवली, क्योंकि आरसीबी के पास हमेशा से एक स्टार स्टडेड टीम है, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जैसे आपने कहा विदेशी खिलाड़ी, आप कौन नहीं, एरन फिंच आ गए, उनके पास क्रिस मॉरिस, एबी डिविलियर्स है, बहुत सारी स्टार स्टडेड टीम है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बार भी खिताब नहीं जीत पाई, इसके कंपैरिजन में हैदराबाद ज़्यादा कंसिस्टेंट और ज़्यादा संतुलित टीम नज़र आती है, एक बार खिताब भी जीत तो नुकसान दे सकता है। जी हाँ, टॉप हैवी साइड है, अगर आप इनके टॉप 4 देखेंगे तो बेस्ट हो कप्तान डेविड वार्नर, विलियमसन को भी मैं जगह देना चाहूँगी क्योंकि इस विकेट पे आपको एक टेक्निकली साउंड बल्लेबाज चाहिए, उसके बाद आपके पास नीचे आते हैं तो राशिद है, तो इनके पास ओवरसीज अच्छे प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इंडियन प्लेयर्स की कमी यहाँ पे, जो स्टार इंडिया प्लेयर हैं, जो अगर ये टॉप जो ओवरसीज प्लेयर हैं बाद में विकेट स्पिन के लिए चलेगा, तब इनको कोई ऐसा इंडियन बैट्समैन चाहिए होगा जो स्थिति को संभाले, वो मुझे लगता है अभी मिसिंग पार्ट है। बॉलिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है, टॉप हैवी है, वो जो बीच में खालीपन है ना, वो फिलिंग द ब्लैंक्स अभी भी मुझे खाली नजर आ रहा है, खाली नजर आ रहा है, तो खाली है या नहीं है कुछ ही सुषमा, एक बार फिर से कल लाइव आएंगे तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देश और दुनिया के भारतवर्ष